हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मी एंड जूली ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब भी अच्छे ही होंगे। आज मैं रूही मछली का रेसिपी लेके आई हूँ, चलिए उसका वीडियो देखते हैं। एक कटोरी पानी में 4-5 लाल मिर्ची, गोलकी, जीरा, सरसों को 10-15 मिनट के लिए सॉक होने देंगे। 10-15 मिनट के बाद ग्राइंडिंग जार में सब मसाला को डालेंगे और पेस्ट कर देंगे। मसाला पेस्ट हो गया। अभी आधा किलो मछली है, उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक दे के मिला देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद गैस जलाएंगे, कढ़ाई बैठा देंगे, सरसों तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और मछली को एक एक करके डाल देंगे। अच्छा से लाल होने देंगे क्योंकि मछली अच्छा से फ्राई हो गया। एक साइड अभी पलट देंगे। मछली अच्छा से फ्राई हो गया, इसे एक एक करके निकाल देंगे। सब मछली को तल देंगे इसे। इसके बाद उसी कढ़ाई में 2 हरा मिर्च फाड़ के दे देंगे, तेजपत्ता दे देंगे और प्याज पेस्ट दे देंगे 4 बड़ी चम्मच। सब पेस्ट मसाला में ही बन रहा है, घर में पेस्ट किया हुआ है। सब अदरक लहसुन पेस्ट है, ये भी 2 बड़ी चम्मच दे देंगे। उसके बाद हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया, आप कितना झाल खाते हैं उस हिसाब से देंगे। मिर्ची दे दी। अभी वही पेस्ट किया हुआ था मसाला 3 बड़ी चम्मच दे देंगे और पानी दे के मसाला को अच्छा से मिलाएंगे और ढक देंगे। ढक के मसाला को अच्छा से भून लेंगे, तब मसाला का टेस्ट भी अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर अच्छा रहता है। उसके बाद टमाटर प्यूर डालेंगे, इसको मिला देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ढकेंगे, ढक के पकाएंगे। देखिए मसाला अच्छा से पक गया है, तेल भी दिखाई दे रहा है, तेल ज़्यादा नहीं है, कम है। इस तरह से बना के देखिए, कम तेल में ही सेहत अच्छा रहता है। हम कम तेल में ही बनाए हैं, मेरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ज़रूरत मुताबिक पानी डालेंगे और खोलने देंगे। थोड़ा खोलने के बाद मछली को एक एक कर डाल देंगे और कुछ मिनट के लिए ढक देंगे। मछली का ग्रेवी अच्छा से बन गया। अभी गरम मसाला डाल देंगे लास्ट में और धनिया पत्ता गार्निशिंग कर देंगे। मेरा मछली का रेसिपी कैसे लगा आप लोग को? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा।